मैंने आगे की ये वाले हेयर कलर कर लिए हैं। ये देखिए पीछे के मेरे ये वाले कलर है, ये वाले कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने हेयर के। तो मैं यहाँ पर देखिए मिस्टी डायपर से ही आधा लगेज भर गया, बट इसी लगेज को लेकर जाना है, ज़्यादा बैग नहीं करना है, तो बस मैं इसी में सारा रख रही हूँ। मिस्टी बस रहने दो, हम रख देंगे, रहने दो हम रख देंगे। गाइस फेस मास्क सूख चुका है और देखिए मुझे। सो फ्रेंड्स फेस मास्क को मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी मैं ये लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं जीना महापात्रा। सो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये देखिए ये बैठी है इधर मिस्टी, खा रही है मिक्सचर। मिस्टी गुड मॉर्निंग बोलो, बोल दो बाबू, बोल दो सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो, बोलो बिब्बू। सो गाइस जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज मैं थोड़ा सा भगवान का पर्दा सिलूंगी, तो अभी बस मैं कुछ नहीं भगवान का पर्दा सिल रही हूँ, कुकिंग भी साथ साथ में कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग पर जारी रहिए, तो मैं आपको बताऊंगी आगे। ताकि फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना फेस क्लीन करने वाली हूँ आज। तो आज मैं क्या क्या अपने फेस पर लगाने वाली हूँ और अपने हेयर पर क्या क्या लगाने वाली हूँ सब कुछ आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग को स्किप ना करें, आप लोग स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ब्लॉग को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स ब्लॉग को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं सिल रही हूँ पर्दा, तो ये है नेट वाला पर्दा जो कि मैंने ये वाले पर्दे सिले थे उसका ही एक टुकड़ा बचा हुआ था। तो भगवान जी का पर्दा बन जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भगवान जी का पर्दा बन जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको सिल रही हूँ। कौन पढ़ रहा मम्मा? मिस्टी आप कहाँ घूमने के लिए जाओगे बाबू? आप घूमने के लिए कहाँ जाओगे मिस्टी? ट्रेन में बैठकर आप कहाँ जा रहे हो? मिस्टी बुलाऊंगी? ठीक है मैं अपनी मिस्टी को मिस्टी बुलाऊंगी। ठीक है मिस्टी, मिस्टी मेरे से बोलती है मामा मुझे मिस्टी बुलाओ और कुछ मत बुलाओ, तो मैं अपनी मिस्टी को मिस्टी ही बुलाऊंगी। क्या बाबू आप क्या बोल रहे हो? इच्छा नहीं। आपको इच्छा नहीं है? नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? कह रही हूँ मुझे इच्छा नहीं है। मिस्टी आपको क्या इच्छा नहीं है? सो गाइस अभी 4:30 बजे हैं, बहुत काम है अभी, तो अभी मैं हेयर कलर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो पहले मैंने ये वाला हेयर कलर किया था, ये वाला थोड़ा रेड और ब्राउन टाइप का कलर है, तो ये वाला पहले मैंने हाईलाइट किया था तो बालों के नीचे। अभी मैं सोच रही हूँ ऊपर ब्लैक वाला कलर करूँ, तो वो जल्दी से मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं घोल लेती हूँ फिर उसके बाद लगाऊंगी अपने हेयर में। तो नीचे मेरा इस कलर का रेड और थोड़ा ब्राउन कलर का हेयर कलर है, ऊपर मैं पूरा ब्लैक कर रही हूँ ऊपर। हाँ सो गाइस ये देखिए मिस्टी भी यहीं खड़ी हुई है, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, तो देखिए मिस्टी की कैसे हेयर सारे हिल रहे हैं। तो ये वाला कलर मेरा नेचुरल वाला कलर है, तो फ्रेंड्स मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ सारे नेचुरल वाले ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा ये निशा का नेचुरल ब्लैक कलर है, तो मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, हाईलाइट अगर करना चाहते हैं अपने हेयर्स को, तो सॉरी हाईलाइट नहीं, इस तरीके से अगर आप अपने हेयर्स को ब्लैक करना चाहते हैं, अगर वो ब्राउन कलर के हैं तो आप इसी तरीके यही वाला
निशा का नेचुरल ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने हाईलाइट कौन से कलर से किया है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो मैंने कर लिया है, इतना हेयर कलर ही मुझे करना था, तो अभी मैं सूखने के लिए रख रही हूँ। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लगाने वाली हूँ जो कि मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, दोनों साथ साथ ही सूख जाएंगे। सो गाइस, मैंने आगे की वाले हेयर कलर कर लिए हैं, ये देखिए पीछे के मेरे ये वाले कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने हेयर के, तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर हाईलाइट कर लेती हूँ। इस तरीके से मिस्टी वहाँ पर देखिए क्या कर रही है। तो अभी मैं फेस मास्क लगा रही हूँ क्योंकि दोनों साथ ही साथ सूख जाएंगे और मेरा टाइम भी बच जाएगा। फिर उसके बाद मुझे मशीन पर भी सिलना है, एक ड्रेस सिलनी है और थोड़ा सा साड़ी भी सिलना है, तो साथ साथ में सारा काम जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ। मिस्टी कुछ ढूंढ रही है पीछे, ये देखिए। तो मैं एवरयूथ का फेस मास्क लगा रही हूँ, उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए पहले बना ही चुकी हूँ, तो अभी मैं ओनली आपको लगा कर दिखाती हूँ। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं वो वाला वीडियो देखना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये है मेरा एवरयूथ का फेस मास्क, इसे लगाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। सो गाइस, ये लगा लिया मैंने फेस मास्क को आप जितना पतला लगाएंगे वो उतनी ही अच्छे से निकलेगा और बहुत ही जल्दी सूखेगा और आपके फेस को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है तो मैं फेस मास्क लगा लेती हूँ। तो अब मैं इसकी सूखने का इंतजार करें, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, जल्दी सूख जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मिस्टी क्या करी, इधर मैं अपना काम कर रही हूँ, वहाँ मिस्टी अपना काम कर रही। मिस्टी नहीं, गिर जाओगी। फेस मास्क रिमूव करने के बाद मैं क्या लगाने वाली हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी, तो आप ब्लॉग को स्किप ना करें। तो चलिए अब मैं सिल लेती हूँ। सो मैंने मुझे एक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक सूट सिलना है और एक साड़ी भी सिलनी है, तो जल्दी से सिल लेती हूँ। साड़ी मैंने साड़ी की साइड का सिलना है, तो मिस्टी उतरो, ये उतरो, मम्मा सिलेगी, जल्दी उतरो। तो फ्रेंड्स, ये वाला सूट बहुत ही ज़्यादा मुझे ढीला हो रहा है, इसलिए मैं इसको टाइट कर रही हूँ। सो ये वाला सूट मेरा ग्रीन कलर का है। सो फ्रेंड्स, जब मैं इसको पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा वाला सूट है, तो इसको मैं सस्पेंस रख रही हूँ। बस मैंने आपको कलर बता दिया है, ये कौन से कलर का है। नहीं मिस्टी, ढीला हो जाएगा ना। मिस्टी यहाँ पर मशीन खींच रही है। नहीं, अरे मिस्टी ऐसे ही करती है, मैं अगर काम करती हूँ तो ऐसी परेशान करती है। नहीं मिस्टी, मम्मा का हाथ में सुई लग जाएगी ना। सो फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार सिलाई सीखी थी तब मेरी इस उंगली में सुई घुसी थी, यहाँ घुसकर यहाँ से सुई निकली थी पहली बार जब मैं सीख रही थी। यानी जब मैंने हाथ वाली सीख ली थी तब भी इसी उंगली में घुसी थी, सो यहाँ घुसकर सीधे यहाँ निकली थी, और जब पैर वाली मशीन सीख ली थी तब भी ऐसा ही हुआ था। फ्रेंड्स, दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ही सेफ्टी से सिलती हूँ, बहुत ही डर लगता है मुझे। गाइस, ये देखिए मिस्टी भी यहीं है, बात करी, क्या बोल रही है मिस्टी? पापा ने है। क्या हुआ? पापा ने है। पापा नहीं है? नहीं, नहीं। पापा ड्यूटी गए बाबू? पापा नहीं है। पापा ड्यूटी गए हैं? नहीं है। बहुत है, बहुत सारी है। क्या बोल रहे बाबू? सो गाइस, मिस्टी भी आप लोगों से बात कर रही है, आजकल मिस्टी भी ब्लॉग शूट करने लगी है। क्या बोल रही मिस्टी? आपको दिखाई नहीं दे रहा है मम्मा? नहीं दे रहा है। देखने हरिया देना, देखने हरिया है, देखे हरियाद देखने हरिया दे दिया। अब क्लियर बोलो, क्लियर बोलोगे तो समझ में आएगा मामा। समझ आ रही है कि तो देखने देखने सब बोलते हैं अच्छे हरिया तो दे।
सो गाइस सारे कपड़े मैंने निकाल कर बाहर रख दिए हैं बेड पर। सो गाइस यहाँ पर मिस्टी के सारे कपड़े हैं। मिस्टी का ये वाला टॉप स्कर्ट बहुत ही प्यारा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिस्टी के बर्थडे में मिस्टी को मिला था। और ये वाली फ्रॉक तो आप देख ही चुके हैं, पिछले वाले ब्लॉग में मिस्टी लेकर घूम रही थी, तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉप स्कर्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। और ये हैं सारे मिस्टी के कपड़े, यहाँ पर मेरे, यहाँ पर सोना के। सो ये है पैकिंग, और भी पैकिंग करनी है फ्रेंड्स, मेकअप का सामान रखना है, मिस्टी का, मेरा, ये देखिए मिस्टी इधर क्या कर रही है। तो यहाँ मिस्टी के बैग में एक डायपर, बोतल वगैरह सब कुछ मैं रख लूँगी पानी पीने के लिए, बाकी कुछ खाने का सामान, इतना सारा सामान तो नहीं आएगा, जो इसमें रहेगा वो रख लूँगी, इस लगेज में सारा सामान अभी मैं रखने वाली हूँ। तो गाइस थोड़ा थोड़ा मेरे नोज और फेस मास्क सूख चुका है, तो मास्क को मैं थोड़ी देर में निकाल दूँगी। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सूख चुका है हेयर कलर, तो जैसे ही पैकिंग ख़त्म होगी वैसे ही मैं सारा ये फेस मास्क रिमूव कर दूँगी और हेयर कलर को भी। तो चलिए मैं रख लेती हूँ लगेज में। देखिए मिस्टी डायपर से ही आधा लगेज भर गया है, बट इसी लगेज को लेकर जाना है, ज़्यादा बैग नहीं करना है, तो बस मैं इसी में सारा रख रही हूँ। मिस्टी बस रहने दो, हम रख देंगे, रहने दो, हम रख देंगे। देखिए ये बैठी है मिस्टी इधर, वहाँ देखिए पूरा कपड़ा फैला कर मिस्टी ने ऐसे ही डाल के रखा है। तो फ्रेंड्स ये मिस्टी का चश्मा मिस्टी के बैग में रख रही हूँ। गिर गया। तो गाइस मेरे हाथ थोड़े काले हो गए, ये देखिए ब्लैक ब्लैक नेल पेंट लग गई है, तो मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा लूँगी, तो कलर जो मैंने हेयर में लगाया उससे मेरे हाथ काले हो गए। सो फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं लगेज में, बन गए हैं, और बाकी जो जो रखना है वो भी मैं ध्यान रख के रात को रख दूँगी। ये वाले इधर जो कपड़े रखे हैं सोना के बैग में रखने हैं, तो ये वाइप्स भी मिस्टी का सोना के बैग में ही रख दूँगी, क्योंकि बार बार बैग निकालने में प्रॉब्लम होगी ये वाला ट्रेन में, तो ये वाले सोना के बैग में रख दूंगी, तो जल्दी से निकल जाएगा वाइप्स वगैरह अगर जरूरत पड़ी तो। मिस्टी क्या कर रही हो इधर, गिर जाओगी। सो गाइस फेस मास्क सूख चुका है, और देखिए मुझे। सो फ्रेंड्स फेस मास्क को मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी मैं ये लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। हाँ मिस्टी, खेलाओ ना। क्या बोल रहे हो बिट्टू, खेलाओ ना। सो डन फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है, तो अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, अब बस मुझे ये वाला हेयर कलर धोना है। ये देखिए ग्रीन था, ब्लैक ब्लैक हो गया, क्योंकि मुझे ब्लैक करना था हेयर कलर। सो गाइस ये देखिए मिस्टी क्या कर रही है, देखिए क्या कर रही हो बाबू, आप भी लगाओगी, लाओ मम्मा आपको देंगी, दिखाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, रुको आपके लेस के हाथ है मिस्टी, आप लेस के हाथ से, नहीं नहीं रुको, हैंड वॉश करो, रुको रुको।